हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ए ट्रेन क्या है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी कौन सी यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, अगर हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आर लेस कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि वो कितने आर ज़्यादा, कितना टाइम ज़्यादा लेगी, 3 आर ज़्यादा लेगी पहले वाली टाइम से। तो आपसे पूछ रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। देखो, ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन का सबका एक ही बेसिक होता है और एक ही मेथड होता है। देखो, हमने मान लेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि जो नॉर्मल स्पीड है वो क्या मान ली हमने, एक्स किलोमीटर पर आर। उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 480 किलोमीटर। देखो, नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चल रही है, एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड है, डिस्टेंस करना है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन एक्स, इतना टाइम लगा। इफ स्पीड लेस, अब स्पीड 8 किलोमीटर पर आर क्या कर दें हम, लेस कर दें। पहले स्पीड एस थी, अब 8 किलोमीटर पर आर हमने लेस कर दी, तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी। देखो, लेस में क्या करेंगे हम, माइनस। स्पीड क्या कर दी हमने, लेस, तो अब स्पीड क्या आएगी हमारे पास, एक्स माइनस 8। तो अब टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम का वही फॉर्मूला, डी अपॉन एस, डिस्टेंस उतनी है जितनी हमें करनी है कवर्ड। तो डिस्टेंस कितनी है, 480, स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस 8। अब उसने लिख रखा है कि बाद वाला जो टाइम है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम नेचुरली ज़्यादा लगेगा, तो जो बाद वाला जो टाइम है पहले वाले टाइम से कितना मोर देन है, 3 आवर्स। यानी कि वैसे भी ये बड़ी वैल्यू है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 किसके इक्वल होगा, 480 अपॉन एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 3 आवर्स ज़्यादा लगता है टाइम। अब इसको सोल्व करें, देखो एक्स वाली टर्म को इधर ले आएंगे हम, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 480 अपॉन एक्स इक्वल कितना है, 3। एलसीएम ले लें हम, इसका एलसीएम आएगा एक्स माइनस 8 और एक्स। देखो, इस तरह से वेरिएबल का जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिफरेंट वैल्यू होती है, तो इनको सेम ऐसे से नोट कर देते हैं यहाँ। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर तो कैंसिल हो जाएगी, और ये नंबर बची है यहाँ पर एक्स। एक्स को 480 से मल्टीप्लाई करें तो 480x आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, इतनी बार डिवाइड होगा, कितनी बार, एक्स माइनस 8 टाइम्स, और इक्वल में क्या चल रहा है, 3। 480x, आप इस तरह से इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाएं जब भी इक्वल चलता है, जब भी इक्वल का साइन चलता है तो आपको इस तरह का एरो का निशान लगाना है। 480 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 0, 3840। ब्रैकेट ओपन करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8x, इक्वल में क्या आ रहा है, 3। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर, 3 8 जा 24x, और ये 3840। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है। अगर किसी भी वैल्यू से
पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इक्वेशन शॉर्ट मिलेगी आपको। देखो 3 से डिवाइड करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस का 1280 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का। यहाँ तक तो आपसे क्वेश्चन बुक में आंसर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, लेकिन अब इसको आगे भी सोल्व करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग से कैसे होगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 1280 आनी चाहिए और माइनस करने पर 8, तो फैक्टर करें हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपको आता ही है। देखो थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक ध्यान रखना पड़ेगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, तो थोड़ा हमने आधा आधा करके देख लिया, ऊपर आ रहा है 32, नीचे आ रहा है 40, 40 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करें तो 1280 आता है और 40 में से 32 को माइनस करें तो कितना बचता है 8। एक्स स्क्वायर माइनस, आपने इधर का नोट कर ही लिया होगा, अगर नोट नहीं करा है तो आप नोट कर लें, मैं इधर रफ कर रहा हूँ आगे ही कैलकुलेशन के लिए। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280। अब आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस का 40, इन दोनों में 32 कॉमन ले लेंगे अंदर x बचेगा और माइनस का 40, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 40, अंदर क्या बचेगा x प्लस 32 इक्वल 0, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का और प्लस का 32 उधर जाएगा तो माइनस का, स्पीड माइनस में नहीं होती इसलिए एक्स इक्वल क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ ट्रेन लास्ट में लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आया 40 किलोमीटर पर आर। तो ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी, नेक्स्ट में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे।